इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले से ही इसराइल को लेकर गाजा में नरसंहार करने का मुकदमा चल रहा है। उसके बावजूद इजरायली सेना पर गाजा में लगातार नागरिकों की हत्या करने का आरोप लग रहा है, जिसके वजह से ब्रिटेन और अमेरिका ने कई बार इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकी। खासतौर से अमेरिका ने इसराइल को 2000 पाउंड यानी 907 किलोग्राम वाले बमों की सप्लाई रोक दी थी और बाइडेन ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो गाजा के भीतर इतने बड़े बमों का इस्तेमाल न करे। लेकिन बीते दिनों अमेरिका ने दोबारा से इसराइल को 2000 पाउंड वाले बमों की सप्लाई चालू कर दी है, जिसके बाद अब इसराइल पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। दरअसल इजरायली सेना पर गाजा के तवर्तीय इलाके अलमवासी में एक बहुत बड़ा बम गिराने का आरोप है और इस बम से हुए धमाके में 19 लोगों की जान चली गई और 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये जानकारी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। दरअसल गाजा में इजरायली सेना ने जिस इलाके को मानवीय क्षेत्र घोषित किया था, अब उसी इलाके पर आईडीएफ ने एक हवाई हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ ने यहां पर एक 2000 पाउंड यानी कि 907 किलो का एक बम गिराया, जिसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके की चपेट में सैकड़ों लोग आ गए। और जब ये धमाका हुआ तब कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि यह एक हवाई हमला है। कुछ लोगों का लगा कि यह भूकंप है। इसको लेकर राफा के एक सिविल सर्वेंट मारवाहा शाथ ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि एक तरह का भूकंप था। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने कई सैन्य एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि आईडीएफ के हमले में घटनास्थल पर जो गड्ढे बने हैं उन्हें देख कर लगता है कि यहाँ पर 2000 पाउंड यानी 907 किलो के बमों को गिराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इलाके में ये हमला हुआ है वहाँ पर हजारों फिलिस्तीनी टेंट में रह रहे हैं, लेकिन इजरायली सेना का कहना है कि उसने दक्षिणी गाजा के तटवर्ती इलाके अलमवासी पर एक हवाई हमला किया है, जिसमें हमास के 3 सीनियर आतंकियों को निशाना बनाया। आईडीएफ का ये भी कहना है कि ये आतंकी 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमले में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ अलमवासी में रह रहे फिलिस्तीनियों का आरोप है कि आईडीएफ ने हमला करने से पहले उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी थी और आधी रात को करीब 1 बजे यहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे यहां गड़े तंबू उड़ चुके हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इसराइल ने इतने ताकतवर बम का इस्तेमाल किया हो, बल्कि इससे पहले जुलाई 2024 में आईडीएफ ने अलमवासी में हमास के टॉप कमांडर मोहम्मद देईफ को मारने के लिए 2000 पाउंड यानी 907 किलो का बम गिराया था।